मैं रामपाल मीणा, सहाचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटकपूतली। सब्जेक्ट इतिहास, कक्षा BA पार्ट 3, पेपर 2। आज इस पेपर का मेरा व्याख्यान औद्योगिक क्रांति पर है। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति एक बड़ा एवं समूहवाचक शब्द है जिसके अंतर्गत अनेकानेक परिवर्तनों को जो परस्पर आश्रित हैं शामिल किया जाता है। स्थूल रूप में औद्योगिक क्रांति के दो रूप हैं, प्रक्रियात्मक एवं प्रभावात्मक। अपने प्रक्रियात्मक रूप में औद्योगिक क्रांति का अर्थ है मनुष्य की श्रम प्रक्रिया में 1750 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुए परिवर्तन, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण में मानवीय श्रम की प्रधानता के स्थान पर नवीन आविष्कृत मशीनों का उपयोग। अपने प्रभावात्मक रूप में इस क्रांति के द्वारा मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात हुआ, जिनमें से कुछ परिवर्तन अत्यंत त्वरित एवं मौलिक थे। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप। औद्योगिक क्रांति के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको क्रांति की संज्ञा देते हैं और कुछ इसको औद्योगिक प्रगति की संज्ञा देते हैं। यूरोप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुए आर्थिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा फ्रेडरिक एंगेल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल एवं कार्ल मार्क्स ने दी थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति शब्द की विस्तृत एवं गहन व्याख्या पहली बार अर्नाल्ड टाइनबी ने की थी। अतः अर्नाल्ड टाइनबी को औद्योगिक क्रांति शब्द का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विद्वानों के एक दूसरे वर्ग जिनमें AP असर, हैरी एलबिल्स और जॉन यू नेप का नाम है, उनका यह मानना है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में घटित आर्थिक परिवर्तन आकस्मिक ढंग से हुई किसी क्रांतिकारी प्रक्रिया के द्योतक नहीं है, बल्कि विगत काल से चल रही एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया की अभिव्यक्तियां। अतः इन आर्थिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहना एक अत्युक्ति होगी। उन्हें औद्योगिक विकास या प्रगति या परिवर्तन के रूप में संबोधित करना ज्यादा सम्यक होगा। इस प्रकार तथाकथित औद्योगिक क्रांति एक क्रांति थी या प्रगति, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इसका समाधान इस प्रकार किया गया है। जहां तक तथाकथित औद्योगिक क्रांति के प्रभावात्मक पक्ष का प्रश्न है, प्राय सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि इसके फलस्वरूप जो आर्थिक परिवर्तन हुए वे गहन, व्यापक, दूरगामी, अनपेक्षित, चौंकाने वाले, एक प्रकार से विस्मयकारी थे, और इस अर्थ में इसे क्रांति की संज्ञा देना सही जान पड़ता है। नंबर 2, जहाँ तक तथाकथित औद्योगिक क्रांति के प्रक्रियात्मक पक्ष का प्रश्न है, उसकी प्रक्रिया के सूत्रों को विगत शताब्दियों में घटी कृषि संबंधी, व्यापारिक एवं तकनीकी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है, और इस अर्थ में कथित औद्योगिक क्रांतिकारी और इस अर्थ में कथित औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया को प्रगति, विकास या क्रमिक विकास के रूप में देखा जा सकता है। प्रक्रियात्मक दृष्टि से जो औद्योगिक परिवर्तन विकास मूलक थे, वे प्रभावात्मक दृष्टि से क्रांति मूलक हो गए। औद्योगिक क्रांति का काल
इस क्रांति का काल दो चरणों में रखा जा सकता है। नंबर एक, प्रथम एवं आधारभूत चरण जो 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। नंबर दो, द्वितीय चरण 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ जो आज तक अविरल रूप से चल रहा है। इसके प्रभाव विश्वव्यापी हो गए। यह काल नवीन औद्योगिक क्रांति का युग कहा जाता है। आज का मेरा दूसरा व्याख्यान औद्योगिक क्रांति के कारणों पर है। औद्योगिक क्रांति के कारण, जिनमें से पहला कारण है पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव। व्यापारिक क्रांति, नगरों का विकास, कृषि का विकास पुनर्जागरण युग की देन थे। पुनर्जागरण युग ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की जो नींव रखी, जो 18वीं सदी में नवीन मशीनरी के आविष्कारों में व्यक्त। नंबर दो, भौगोलिक खोजों द्वारा प्रदत्त लाभ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप 16वीं व 17वीं सदी में यूरोप वासियों ने एशिया अफ्रीका एवं अमेरिकी महाद्वीपों की खोज की। इन खोजों से यूरोप वासियों को भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की प्राप्ति हुई। इन सुविधाओं ने उत्पादन प्रणाली को वृहद एवं द्रुत आधार पर गठित कर औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सुगम बना दिया। नंबर तीन, कृषि संबंधी विकास। यूरोप विशेषकर इंग्लैंड में व्यापारिक एवं कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। बढ़े हुए कृषि उत्पादन ने गांव से रोजगार की तलाश में शहर आने वाले श्रमिकों एवं नगरीय जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूस्वामियों को पूंजी उपलब्ध हुई जिसका प्रयोग उद्योगों में किया गया। नंबर चार, जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि। 1750 से 1800 के मध्य इंग्लैंड की जनसंख्या 70 लाख से बढ़कर 90 लाख हो गई। बढ़ी हुई जनसंख्या का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन हुआ। इसका परिणाम था औद्योगिक विकास के लिए श्रम शक्ति की सहज एवं निर्बाध उपलब्धि। औद्योगिक क्रांति के अन्य कारण थे व्यापारिक क्रांति का प्रभाव एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। ओके।